नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अमेठी से आ रही है। सार्वजनिक रास्ते का खड़ंजा उखाड़कर बनाई दीवार, शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्यवाही। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जनपद के विकासखंड जगदीशपुर की ग्राम पंचायत दौलतपुर लोनट का है, जहां पर सरकारी खड़ंजे को उखाड़कर दीवार बनाकर रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। प्रार्थनी माजदा बानी पत्नी फखरुद्दीन ने बताया कि मेरे घर के बगल सरकारी घन से पूर्व में खड़ंजा लगा हुआ था, जिसको विपक्षी जैनुद्दीन व तमीजुद्दीन के द्वारा खड़ंजे को उखाड़कर दीवार बना ली गई है, जिसको लेकर प्रार्थनी 10 महीनों से लगातार थाने से लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय में चक्कर लगा रही है, परंतु कहीं से ठोस न्याय नहीं मिल रहा है। प्रार्थनी ने दोबारा उपजिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि विपक्षियों द्वारा बंद किए गए रास्ते पर से दीवार हटाकर रास्ता खुलवाया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए मध्याचल ब्यूरो के साथ अमेठी से विंदेश कुमार की रिपोर्ट। आपका ये सरकारी खड़ंजे पे दीवार उठा लियो, खड़ंजा उखाड़ दिए। किसने उठाया है? तमीजुद्दीन जैनुद्दीन। तो इसके लिए आप क्या कार्यवाही कुछ किए हैं? कार्रवाई थाने से लेकर तहसील तक, आज तक सारे अधिकारी देखते गए, वो एसडीएम तक यहाँ पे आए थे। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें? तो एसडीएम को देख गए, फिर भी प्रजापति को आख्या देने के लिए बोले, जो कि 133 की धारा लगाई गई। ये प्रजापति कौन है? थाने के एसआई है। अच्छा, कौन सा थाना है? क्या बोले ये? थाना चलती क्या बोले हैं ये आखिया में 133 लगाए हैं, जो कि हम चाहते हैं 133 हटा के ऑर्डर किया जाए। ये बताइए, आपने अभी तक कहाँ कहाँ तक कार्यवाही की? एसडीएम तक पहुँच चुकी। क्या वहाँ से कोई कार्यवाही हुई? कितने महीने से विवाद चल रहा है ये? 25 जनवरी से लगभग। 25 जनवरी से लगभग कितना समय हो गया? 10-11 महीने हो गए। अच्छा, अभी तक कोई कार्यवाही कहीं से संतुष्टि के आधार पर मिली आपको? नहीं, हम चाहते हैं 133 की धारा हटा के ऑर्डर किया जाए, बाकायदा हमारे पास जब मौजूद सबूत है। ये जमीन जो है, ये रास्ता है मौके की? मौके के सरकारी खड़ंजा लगा तो सरकारी रास्ता है। जी, क्या नाम है आपका? माजिदा। कितने समय से विवाद चल रहा है? 25 जनवरी से। अच्छा अच्छा, अभी कहीं से कोई कार्यवाही नहीं हुई आपकी? नहीं। तमीजुद्दीन। पिता का नाम? अब्दुल। कौन सा गांव है ये? दौलतपुर लोनहाट। ये क्या मामला चल रहा है आपका दूसरी पार्टी का? ये रास्ता विवाद चल रहा है, रास्ता उनकी देखो ये बनी हुई है, ये इधर ये लगी हुई है, इंटरलॉक में जुड़ी है, गांव के लिए निकली है, सब लोग निकल रहे हैं, उनकी रास्ता है। हम 25 साल पहले मकान बनाए हैं जी, वो भी 8 महीने पहले बाद बनाए हैं जी। हम रास्ता पेड़ा छोड़ के अपना मकान बनाए हैं, हमारा दोनों भाई बंटवारा हुआ है, ये हम अपने में दीवार उठा लिए हैं, ये अपने में दीवार उठा लिए हैं, इनकी रास्ता जो है इनके घर दरोजे तक गई है, प्रधान द्वारा निर्माण इससे हो गया है। तो ये मौके पे जो विपक्षी पार्टी बता रही है, ये जो सरकारी खड़ंजा था, हाँ? इसको उखाड़ के दीवार बनाई गई है, इसमें क्या मामला है? ऐसा क्या खड़ंजा था वो वहाँ पे पहले? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ थोड़ा सा लगा हुआ था, जो आज भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये जो इनकी वीडियो वगैरह की रिपोर्टें लगी हुई है, ये सब कैसे क्या है? अब क्या लगाएं क्या नहीं, हमको नहीं मालूम, हमारी बाग है, हम अपना मकान है, इनकी रास्ता ये है, रास्ता विवाद चल रहा है, रास्ता उनकी है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम तमीजुद्दीन है।